वेलकम टू के खान ब्लॉग्स और आप मुझसे मिल रहे हैं। मेरा नाम जोया खान है। जैसे कि मैं हर बार आपको एक यूनिक वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को या कुछ ना कुछ आपका बिजनेस बढ़ाने के लिए मैं हर बार एक कोशिश करती हूँ कि कुछ अच्छा ही लेकर आऊँ। इस बार भी मैं आपके लिए बहुत अच्छा ही लेकर आई हूँ। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था कि आपको जो बूस्टर मशीन के रिगार्डिंग मैंने आपको सारी डिटेल दी थी कि बूस्टर ऐसे परचेज कर सकते हो या फिर ऐसे आप बाहर मंगवा सकते हो, हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अब उसी को इंस्टॉलेशन करने के लिए ये वीडियो मैं लेकर आई हूँ। कई बार आप हमसे इंस्टॉलेशन कराने के लिए इशू क्रिएट करते हो, आपके बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि मैडम आप मुझे इंस्टॉलेशन की वीडियो बनाइए, क्योंकि हम लोग जब परचेज करते हैं तो हमें इंस्टॉलेशन नहीं हो पाता है। तो कई बार दिक्कतें आती है, कई बार उसका नेटवर्क नहीं कवर करता है। तो आज उसी के ऊपर मैं आपको वीडियो लेकर आई हूँ। उस वीडियो में हमारा जो इंजीनियर है वो आपको बिल्कुल कंफर्म वीडियो दिखाएगा, जिसमें आप सीख पाएंगे कि एक बूस्टर को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और साथ ही साथ आप खुद से कैसे कर सकते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको बहुत टाइम लगेगा। जैसे जैसे आपको हमारे इंजीनियर करके बताएगा, एज इट इज आपको लगाना है, तो आप चुटकी भर में आप अपना इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। तो देखिए गाइस, अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस किस चीज़ों, जैसे कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में दिखाया है कि बूस्टर के लिए ये सारी चीज़ें सब चाहिए होती हैं। तो अब आपको मैं दिखाती हूँ कि बूस्टर के लिए हमारे जो इंजीनियर ने पूरा सेटअप लगाया हुआ है इसको इंस्टॉल करने के लिए। तो आइए मैं आपको एक एक चीज़ फिर से रिपीट कर देती हूँ, ताकि आपको जब भी इंस्टॉलेशन करना हो तो आप भी ऐसा एक सेटअप बिठाएं और आप अपना जो है इंस्टॉलेशन स्टार्ट करें। तो देखिए, ये इसका ये बूस्टर मशीन है जिसमें, ठीक है, ये आप हमसे जब भी परचेज करते हैं उसके बाद ये बूस्टर मशीन है। ये इसका ये देखिए, ये इसका अडेप्टर है। इसके साथ ही साथ दो एंटीने मैंने आपको बताया है। तो दो एंटीना हमेशा मैं आपको बताती हूँ, एक इंडोर और एक आउटडोर। आज मैं आपको दो एंटीनों से मिलवा देती हूँ। आइए, तो ये देखिए, ये एक इंडोर एंटीना होता है और ये एक आउटडोर एंटीना होता है, जो कि एक आपका रूफ पे लगता है और एक आपका घर में लगता है, या फिर आपका जो ऑफिस है ऑफिस के अंदर लगता है, एक ऑफिस के बाहर लगता है। चलिए गाइस, और ये है देखिए कनेक्टर। कनेक्टर के साथ आपका जो है ये जो एंटीना है, ये एंटीना का पत्ती होती है और ये उसमें कनेक्ट होता है। तो मैं आपको दिखा, देखिए ये मैंने आपको सारा सामान दिखाया है। अब आपको हमारा इंजीनियर बताएगा कि इसको कैसे सेटअप करते हैं और कैसे इसको इंस्टॉलेशन करते हैं। वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाइएगा गाइस, जब भी मेरी कोई वीडियो आएगी, ताकि आप तक वो नोटिफिकेशन जाए और आप हमारी वीडियो देख के और आप उसको कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखने को आपको मिलता है। तो आइए देखिए गाइस, मैं आपको दिखा रही हूँ कि कई बार ऐसे एरिया में आप रहते हैं या फिर आप ऐसे इलाके में रहते हैं आप, ठीक है, तो ऐसे में देखिए, ऐसे में आपको छत चाहिए होगा। ये छत जो है हमेशा एक एंटीना छत पे ही लगेगा और एक एंटीना आपके घर के अंदर लगेगा, घर हो ऑफिस हो आप कहीं भी लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने आपको ये पोर्शन दिखा दिया है, आप ऐसे एरिया में भी बूस्टर मंगवाकर आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। उसी की वीडियो मैं आपको बनाना दिखाऊंगी हमारे इंजीनियर के साथ। और मैं आज आई हुई हूँ अपने इंजीनियर के साथ जहाँ पर ये इंस्टॉलेशन हो रहा है। इंस्टॉलेशन में आपको बताती हूँ कैसे होगा। हाँ। देखिए गाइस, अब ये हमारे जो है इंजीनियर, ये आपको जो है पहला जो एंटीना है, जो कि आउटडोर एंटीना मैंने आपको बताया था, उसको इंस्टॉल कर रहे हैं। तो देखिए कैसे इंस्टॉल हो रहा है और क्या क्या इसमें लग रहा है, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि आप इंस्टॉलेशन करना सीखें और आपको हमेशा क्यों, जैसे हर बार आप वीडियो ना देख पाए तो आप खुद से भी कर सकें। तो उसके लिए देखिए बिल्कुल ही आपको कैसे इंस्टॉल करना है और किस हिसाब से करना है वो आप अपने हिसाब से देख लीजिए। वीडियो में मैं बिल्कुल क्लियर आपको दिखा रही हूँ। तो देखिए गाइज, ये अब मैं आपको दिखा रही हूँ ये वायर को कनेक्टर से कनेक्ट करने के लिए ये यूज़ कर रहे हैं। और इनके पास देखिए कितना बढ़िया कटर है हमारे टेक्नीशियन के पास। और एक चीज़ आपको बता रही हूँ, जैसे कि आप कई बार ना प्लास यूज़ करते हैं तो उससे ना तार कई बार जो अजीब सा कट जाता है, तो आप भी ऐसा प्लास जो ऐसा जो है कटर यूज़ कर सकते हैं। मार्केट में ये ईजिली अवेलेबल है, आप कहीं से भी परचेज कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा कि कैसे कैसे इंस्टॉल हो रहा है, कैसे कैसे उसकी वायरिंग हो रही है, ठीक है गाइस। तो गाइस देखिए, वो कटर से काटने के बाद ये वायरिंग देखिए कितनी अलग तरीके की वायरिंग हो रही है और इसमें कैसे कैसे फिनिशिंग हो रही है, आप कंटिन्यूसली देखिएगा अच्छे से, क्योंकि अक्सर वीडियो नहीं डलती है इंस्टॉलेशन की। ये हमारी तरफ से वीडियो इसलिए डल रही है क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा क्वेरीज आती है कि वीडियो डालिए या इंस्टॉलेशन की डालिए, तो ये इंस्टॉलेशन के लिए इसलिए डालेंगे।
देखिए ये एक और कटर है जो कि अच्छे से तार को जॉइंट करने के लिए है। तो आपको पहले एक कटर दिखाया था, ये दूसरा कटर है और देखिए कितनी बेस्ट क्वालिटी का कटर रखते हैं हम लोग। तो ये सेम आप भी रखिएगा ताकि आपको भी इसका यूज़ अच्छे से आए और आपका लाइफ टाइम तक ही रहे। तो देखिए ये कैसे कनेक्ट करा है, और मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ देखिए पास से कि ये कैसे कनेक्ट हुआ है। देखिएगा इस तरीके से आपका कनेक्ट होगा, देखिए इस तरह से। आप एक डंडा यूज़ कर सकते हैं जिसपे ये देखिए बूस्टर, ये आपका जो है बूस्टर का एंटीना लगा हुआ है। ये ऐसा लंबा डंडा है जिसपे अब ये कनेक्ट करा गया है ताकि जो नेटवर्क है वो पूरा डायरेक्टली आपका क्लियर रहे और आपके फ़ोन या फिर जो भी आपका ऑनलाइन वर्क होता है वो बहुत ही इजी हो सकता है। तो गाइज ये जो आउटडोर एंटीना है ये अब आपका जो है यहाँ पर लग चुका है, और जिसकी मैंने आपको दिखा दी है कि कैसे लगाया है। अब हम आपको दिखाएंगे कि बूस्टर में कैसे इंस्टॉलेशन की जाती है। तो आइए हमारे संग आप चलिए। तो देखिए ये हम अब जो है घर के अंदर आ चुके हैं जहाँ पर हमारा जो है इंडोर एंटीना और साथ में उसके जो है बूस्टर लगेगा जिससे कि आपका मोबाइल में क्लियर आपका नेटवर्क आएगा। तो गाइज अभी ये इंडोर एंटीना लग रहा है और साथ में बूस्टर भी लगेगा। तो वीडियो को अगर आप देख रहे हैं या फिर आप ध्यान से देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि इसको क्लियर आप तसल्ली से देखें ताकि इस वीडियो को आपको समझ में आए कि इंस्टॉलेशन एक्चुअल में कैसे करते हैं। इसके अलावा भी कभी आपको कोई क्वेरी हो तो आप हमें जो है कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये वीडियो आपको अगर आप हमसे बूस्टर परचेज करेंगे तो पर्सनली ये वीडियो भी हम आपको शेयर कर देंगे। तो ये मेजरमेंट कर रहे हैं इस कनेक्टर को, उसमें कवर होगा या नहीं उसकी वायरिंग, तो आप ये भी ध्यान दीजिएगा। देखिए ये पहले हल्का सा ऊपर तार निकाला हुआ है, उसके बाद देखिए कॉपर का आ रहा होगा। वो कॉपर का इसलिए आ रहा है जो कनेक्टर है उसको अच्छे से ज्वाइंट करने के लिए। तो अभी ज्वाइंट देखिएगा यहाँ पर कि कनेक्टर को कैसे ज्वाइंट करते हैं कॉपर के साथ ही।
तो गाइज अब सारा जो है सेटअप हो चुका है, अब आपको मैं दिखा देती हूँ कि कैसे बूस्टर को हम दीवार पे इंस्टॉल करते हैं, और साथ ही साथ एक एंटीना जो इंडोर लगेगा वो वहां पर देखिए आप पत्ती देख सकते हैं, वो पत्ती लगी हुई है उसी पे आपका जो है इंडोर एंटीना फिट सेट होगा, और यहाँ पर जो है यहाँ पर एडेप्टर लगा के आपको कनेक्ट करके दिखाते हैं। चलिए ये स्टार्ट हो चुका है, देखिए ये बूस्टर है जो कि आपको क्लियर दिख रहा होगा, देखिए जियो 4G 3G का जियो बूस्टर है ये, और इसमें ऑल नेटवर्क आते हैं। ये इसका एडेप्टर लग रहा है जो कि इसको कनेक्ट करेगा बूस्टर को, इसको जैसे कनेक्ट करेंगे तो देखिए इसमें ये लाइट ऑन हो जाएगा और इसमें जो है आपका नेटवर्क अप डाउन होगा, बाकी ये सेट करके हमारे जो इंजीनियर बताएंगे ये कैसे सेट होगा। देखिए जो हमने आउटडोर एंटीना लगाया था उसकी वायर जो है ये आपकी ये वाली जो वायर है ये जो लगा रहे हैं ये सर लगा रहे हैं, तो देखिए ये जो है बिल्कुल ही जैसे आप कोई नट बोल्ट कसते हैं तो उसी की तरह होता है, और ये मैं आपको दिखा देती हूँ जो ऊपर से इंडोर का वो आता है वायर वो यहाँ पर BTS में लगता है, जो कि यहाँ लिखा है BTS, तो आप जो है ये BTS में लगेगा आउटडोर एंटीने का वायर। अब इंडोर का लग रहा है देखिए ये जो है वो एंटीना सेट हो चुका है जिसकी पत्ती मैंने आपको दिखाई थी, ये यहाँ पर आपका जो है लग गया है एंटीना, और एंटीना लगने के बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मोबाइल, यहाँ पर लिखा है मोबाइल, तो मोबाइल का लगेगा जो इंडोर एंटीना है उसकी वायर होगी मोबाइल। देखिए ये अब जो है इंडोर एंटीना जो कि सेट हो चुका है, और साथ में देखिए ये नट बोल्ट की तरह नट कस के आपका जो है एंटीना से ये छोटी सी वायर आपको कनेक्ट करके दिखा रहे हैं। अब ये वायर जो है इस मोबाइल वाले ये जो आपको ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर मोबाइल लिखा रहेगा यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर, तो ये इंडोर एंटीना का जो है आपका वायरिंग यहाँ पर होगी, तो BTS यानी आउटडोर एंटीने की वायर लगेगी और मोबाइल यानी आपकी इंडोर एंटीना का वायर लगेगा, तो जिससे कि आपका नेटवर्क फास्ट आएगा। ठीक है, ये ऐसा उसका इंस्टॉलेशन होता है जो कि मैंने आपको पूरा दिखाया है स्टार्टिंग से लेके एंड तक, तो आपसे रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखिएगा और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन